कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज शुक्रवार 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई है। यूपी के चंदौली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की एंट्री हुई है। बिहार के नौबतपुर बॉर्डर से यूपी की सीमा में राहुल गांधी ने प्रवेश किया है। राहुल गांधी की यात्रा यूपी पहुंचने पर खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी स्वागत करने आ रही थी, हालांकि वो बीमारी की वजह से मौके पर नहीं पहुंच सकी। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, मैं बड़े चाव से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। थोड़ा बेहतर होते ही मैं यात्रा में जुड़ूंगी। तब तक के लिए चंदौली बनारस पहुंच रहे सभी यात्रियों, पूरी मेहनत से यात्रा की तैयारी में लगे उत्तर प्रदेश के मेरे सहयोगियों और प्यारे भाई को शुभकामनाएं देती हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में चंदौली से लेकर झांसी तक चलेगी और इस यात्रा में राहुल गांधी 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर शहर, कानपुर देहात, जालौन और झांसी से होकर गुजरेगी। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी और अब यूपी में एंट्री कर चुकी है। इससे पहले आज बिहार के सासाराम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने तेजस्वी यादव भी पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी राहुल के सारथी बने। तेजस्वी राहुल की गाड़ी चलाते दिखे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। राहुल गांधी कल शनिवार 17 फरवरी को वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे और फिर भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के रास्ते सोमवार को अमेठी पहुंचेंगे।